नमस्कार, मी रसिका शिंदे, महा एमटीबी मध्ये तुमचं स्वागत. हमारे बारा हा नवा कोरा चित्रपट 7 जूनला भेटीला येतोय. आणि खरंतर हा चित्रपट अनाऊन्स झाल्यानंतर, टीजर आल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी या समाजामध्ये घडल्या. लोकांनी त्यांच्या टीमला डेथ थ्रेट्स सुद्धा दिले, तर आपण त्या टीम कडूनच खर तर जाणून घेऊयात की नेमकं झालं काय आणि मुळात चित्रपटाची कथा काय आहे. सबसे पहिले निर्देशक जी आपके पास आऊंगी. टीजर आने के बाद बहुत कुछ बातें आई, डेथ थ्रेट्स आए, तो पहली बात तो मुझे ये पूछनी है कि फिल्म की स्टोरी है क्या, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत ये हो रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है या ये जो जो आप बोले कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअली कथा क्या है और फिर कास्टिंग कैसे हो. देखिए, फिल्म की स्टोरी तो नहीं बताऊंगा लेकिन मुद्दे बता दूंगा. ठीक है, पॉपुलेशन की बात करती है हमारी फिल्म, जनसंख्या की बात करती है हमारी फिल्म, ठीक है, नारी शक्ति की बात करती है, सारे मुद्दे की बात करती है, प्लस रही आपकी थ्रेट और सबकी बात है. तो हाँ, डिस्टर्बिंग है और नहीं ठीक लग रहा है थोड़ा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं. थोड़ा लगता है कि आज़ाद भारत में भी ये सब चीज़ें आज की डेट में हो रही है और ऐसी बातों पर हो रही हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं. मतलब अगर जो बात कर रहे हैं उसे कुछ दो बात हम लोग पूछ लेंगे ना तो उन पर जवाब नहीं दिया जाएगा. जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सब लोग भीड़ का हिस्सा बन गए हैं और आधे से ज्यादा लोगों को मुद्दा पता नहीं, बस एक ने बोल दिया तो बस मुझे भी वही बात करनी है, बस वही चीज चल रही है और कुछ नहीं. पर जब आपने सोचा, डायरेक्शन चालू हुआ, फिल्म चालू हुई, तब ये सोचा था कि इसका परिणाम ऐसे हो सकता है ये? नहीं, हम तो बहुत खुश होके फिल्म बनाने गए थे, इतने अच्छे की बात, इतने अच्छे मुद्दे की बात कर रहे थे. हम तो ये सोच के गए थे भाई और ज्यादा अच्छा एप्रिसिएशन, और सच बताऊं बाहर तो इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिला है, यही पूछने वाली थी, सब लोगों ने स्टैटिक ओवेशन, मतलब इतनी तालियों के साथ. यहाँ आके देखो भैया काट रहे तो मैं गोली मार रहे और लड़कियों के साथ इतनी गंदी गंदी बातें, तो ये तो वही वाली बात है, बाहर गए तो इतनी आए इज्जत मिली, घर पे आके डर लग रहा है, घर में घुस के बैठो वरना ये होगा, तो वो डिस्टर्बिंग तो है ही है. तो खैर, मैं भी क्या बोलूं. अनुजी, आपके पास आना चाहूंगी. इतने साल का करियर पर हर किरदार आपका ये है कि हमें कुछ सिखा जाता है. ये किरदार जब आपके पास आया, फिल्म आपके पास आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन कुछ नहीं था, जो पैसे मांगे प्रोड्यूसर ने दे दिए. अच्छा रोल था, डायरेक्टर के साथ सब अग्री हो गया, राजी खुशी मंडवली, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस यही. पर आप जो किरदार निभाए, थोड़ा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा किरदार जो है उसका नाम है उस्ताद मंजूर अली खान संजरी. वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, अपने धर्म की दिशा के अंदर चलता है, पलटने को तैयार नहीं है. और ये बात, ये सब मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी बेटी. आपके पास आना चाहूंगी, आप अपने किरदार के बारे में बताइए और हाउ वाज योर द प्रोसेस? तो मेरे किरदार का नाम नुकसान है और वो उस्ताद मंजूर अली खान संजरी की बीवी है उस, और कई बच्चों की माँ भी है, एक घर की बेटी भी है और एक महिला है. और ये फिल्म बनाई उसकी जर्नी पे है कि कैसे एक महिला बेटी से होके फिर एक घर में बीवी बनती है, फिर माँ बनती है, और क्या वो गुजरती है उसके जीवन में. मतलब हर दिन आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है. और मैं तो कहूँगी हमारी जनता से कि स्पेशली महिलाओं से, एक महिला की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो प्लीज़ जाइए 7 जून को सिनेमा घरों में देखिए. आप लोगों को खुद फील होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इस सोसाइटी में बदलाव हो सकता है, हम महिलाएं ही ला पाए. तो आप अपने फैमिलीज को लेके जाइए और जितने भी पुरुष हैं वो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लेके जाइए, इस मूवी को देखिए और आपको पता चलेगा इतने प्यार से ये मूवी बनाई गई है, इतने प्यार से हर कैरेक्टर को लिखा गया है. हमारी पूरी फीमेल, हमारी कास्ट में सबसे ज्यादा फीमेल्स है. तो मैं तो कहूंगी 7 जून को आप अपने सिनेमाघर में जाके हमारे बारा को देखिए. अंकिता, अंकिता की बात पूरी कर रहा हूँ. हमारी फिल्म में डायलॉग है, अंकिता मतलब माँ अपनी बेटी से कहती है कि शादी से पहले मेरे अबू फैसला लेते थे, शादी के बाद तुम्हारे अबू फैसला लेते हैं. उस मुद्दे की फिल्म है, ठीक है, एक नारी की पीड़ा है, उस पीड़ा को समझिए. और पूरे देश के लोगों से, सब लोगों से बोलता हूँ ये फिल्म देखने जाइए, सच में बहुत अच्छी फिल्म. मुझे एक्चुअली आप सब सबसे पूछना था से कि जब धमकी आई तो उसके बाद कहीं पेरेंट्स से या फिर तुम्हारे नजदीकी लोगों से कुछ ऐसे आया कि तुम प्रमोशन पे मत जाओ,
या फिर अभी पहली फिल्म है और बहुत अच्छा मुद्दा है जो आप ला रहे हो, बट फिर भी आपको धमकी आ रही है, तो आगे इसमें करियर कैसे होगा? तो ऐसे कुछ लोगों से आया कुछ, या आप इस सब को कैसे देख रहे हो एज अ इन फ्यूचर? पहली बात तो ये कि ये हम सब के लिए बहुत ही नई बात है, क्योंकि ये हमारी पहली ही फिल्म है और पहली फिल्म में ऐसी सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा तो मतलब नयापन है और फैमिलीज भी थोड़ी मतलब, बट फॉर्चुनेटली हम ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ हमें सच के लिए खड़ा होना सिखाया जाता है, किसी से डरना नहीं सिखाया जाता है, तो फैमिली से अच्छा ही रिस्पॉन्स है कि भले ही कहीं से भी तुम्हें कोई भी धमकी आ रही है वगैरह वगैरह, बट तुम जिस सच के साथ खड़ी हो और जिस सच को दुनिया को आप लोग दिखाना चाहते हो वो दिखाओ, बट हाँ वो सेफ्टी वाइज भी वो थोड़ा कंसर्न होते ही है पेरेंट्स, बस वो थोड़ा बहुत है। मैं सबसे पहले आज इस मीडियम के थ्रू अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे थ्रेट्स आए तो मेरी मामा ने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने मुझसे कहा कि शगुन अगर तुमने आवाज़ उठा दी और तुम्हारे कैरेक्टर से और तुमने जो भी इस छोटा सा भी अगर एक पार्ट प्ले किया इस मूवी में, अगर उससे एक भी महिला का दर्द सामने आता है, अगर वो अपनी बात कह पाती है समाज में, तो मैं अपने संस्कारों को पूरा मानूंगी। क्या बात है। जी एक्चुअली मेरे मॉम डैड थोड़े ज़्यादा ही कंसर्न हैं थोड़े, क्योंकि मैं दूर ही रहती हूँ बाकी लोगों से, तो बट हाँ भले ही डर हो जो भी हो, पर मम्मी पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि हक की लड़ाई चाहे वो किसी भी बात से गो थ्रू करके हम जाए, बट उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। जब आपके मन में एक अच्छी नीयत होती है तो वो समाज तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, तो जब तक आप वो पहुँचा ना देते तो आप बिल्कुल उसमें डटे रहो और उसके लिए लड़ते रहो, तो बस वही करने की कोशिश करेंगे। मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड से थे, एयरफोर्स बैकग्राउंड से थी मैं, तो मैंने बचपन से देखा है यू नो अपने देश के लिए खड़ा होते हुए उन्हें, और उनकी बेटी होने के नाते और इस भारत देश की बेटी होने के नाते अगर मैं अपने देश की औरतों के लिए या उनके हित के लिए कुछ सही कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। और मैंने बचपन से पापा को लड़ाइयों में जाते हुए देखा है तो डर तो नहीं लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि मैं सही चीज़ कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं, और मुझे लगता है जनता ये समझेगी 7 जून को जब वो पिक्चर देख के थिएटर से बाहर निकलेगी और तालियों से हमारा स्वागत करेगी। एक बात बोलूँगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था हमने, जिसमें कुछ औरतें बोल रही हमारे देश की कुछ महिलाएं, हमारे देश में जैसे कि पता ही होगा कि औरत को भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह से ऊपर एक दर्जा दिया गया है, तो मैं एक बस वीडियो के थ्रू उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस फिल्म को देखें। हमने औरत की आवाज की एक फिल्म बनाई, वो अंदर से क्या कहना चाहती है बाहर से पता नहीं है, लेकिन अंदर से जो औरत कहना चाहती है ना उस मुद्दे की फिल्म है, तो प्लीज इसको नेगेटिविटी में ना लेकर जाए, खास करके देश की बहनें महिलाएं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा, और डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनको लगेगा यार ये तो हमारी कहानी है, ये तो हमारी कहानी है, हमको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो उसको प्लीज निग्लेक्ट ना करें, फिल्म देखने जरूर जाए बस। थैंक यू अनु जी, आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से, सभी महिलाओं से? भीव नको मी तुझ पाठीशी आहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू।